पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा में रहने के बीच एक बड़ी सूचना सामने आ रही है। सीमा हैदर के अवैध तरीके से भारत पहुंचने के मामले में नोएडा पुलिस की ओर से जांच को पूरी कर चार्जशीट कोर्ट के दायर किए जाने की तैयारी चल रही है। पाकिस्तान से ग्रेटर नोएडा पहुंची सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीमा के खिलाफ नोएडा पुलिस की जांच लगभग पूरी हो चुकी है। जल्द ही सीमा हैदर के पाकिस्तान से भारत अवैध तरीके से आने के मामले में नोएडा पुलिस कोर्ट में चार्जशीट दायर कर सकती है। नोएडा पुलिस की ओर से पाकिस्तान से ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा तक पहुंची सीमा हैदर को लेकर कई एंगल से जांच की गई है। उस पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से जुड़ाव का शक बनता दिखा। हालांकि जांच में अभी तक उसके पाकिस्तानी ISI जासूस होने का मामला सामने नहीं आया है। पुलिस ने इस जांच के क्रम में केंद्रीय एजेंसियों की मदद ली है। उसके कॉल डिटेल और सोशल मीडिया डिटेल तक को खंगाला गया है। तमाम पहलुओं पर हुई जांच के बाद नोएडा पुलिस की ओर से पेश की जाने वाली चार्जशीट पर हर किसी की नजर टिक गई है। सीमा हैदर का भारत में भविष्य भी काफी हद तक इस चार्जशीट पर टिका हुआ है। अगर उस पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से जुड़ाव का कोई भी शक बनता दिखता है तो उसे एक बार फिर जेल जाना पड़ सकता है। सीमा के अलावा उसकी मदद करने वाले और उसे पनाह देने वाले सचिन मीणा की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। साथ ही सीमा को पाकिस्तान भी डिपोर्ट किया जा सकता है। पिछले दिनों सीमा हैदर को लेकर कई प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं। कभी उसे राजनीतिक दल में शामिल होने का ऑफर मिल रहा है, कभी उसके एक्टर बनने की चर्चा शुरू हो जाती है। एक फिल्म में सीमा को रॉ एजेंट की भूमिका भी दिए जाने की चर्चा चल रही है। इसको लेकर उसे डायलॉग भी भेज दिए गए हैं ताकि वह रिहर्सल कर सके। इन तमाम चर्चाओं के बीच नोएडा पुलिस की जांच पर हर किसी की नजर टिकी दिख रही है। सीमा हैदर और सचिन मीणा की मुलाकात पबजी गेम के दौरान ऑनलाइन 2019 में हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई, दोनों की दोस्ती हो गई। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा तो सीमा और सचिन एक दूसरे के करीब आ गए। दोनों ने मुलाकात का फैसला लिया। नेपाल के काठमांडू में दोनों की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में दोनों ने साथ रहने का फैसला लिया। मई माह में पाकिस्तान के कराची से UAE होते हुए सीमा हैदर अपने चार बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा पहुंच गई। बाद में उसकी पहचान उजागर होने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। अभी वह जमानत पर बाहर है। सीमा हैदर के मामले में कराची कनेक्शन की भी जांच हो रही है। सीमा हैदर ने किस प्रकार पाकिस्तान छोड़ने और भारत जाने का फैसला लिया? सीमा हैदर को लेकर अभी भले ही सोशल मीडिया पर अगल चर्चा चल रही हो, उसको लेकर जांच एजेंसियों की ओर से कोई कोताही नहीं बरती जा रही है।